अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम और आबाद होंगे। तो आज का दिन है ट्यूसडे का आज दिन। मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। फिर मैंने मूंग मसूर की दाल को अच्छी तरह धो के तो भिगो दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून जो है लहसुन पिसा हुआ, और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पिसा हुआ, धनिया 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्रश्ड मिर्चें, और ये वाटर ट्यूब जो मैं कलर के लिए डालती हूँ हर हांडी में, थोड़ी सी 1 टीस्पून समझ लें बस। और इसमें जाएगा नमक, हसबे जायका। ये जो मेरा स्टाइल है घर में दाल बनाने का, ये वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें ये 2 इस साइज़ के ऑनियन मैं काट के डाल दूँगी और इसको फिर पकने के लिए रख दूँगी। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और अदरक मैं इसमें डालूँगी जब ये आधी ये गल जाएगी दाल, इसलिए कि हमारे घर में कटा हुआ अदरक पसंद किया जाता है, तो वो बिल्कुल शुरू में डाल दो तो वो नरम होकर बीच में ही घुल जाता है। तो एक तो मैं अदरक को पीसती नहीं हूँ, बारीक बारीक हमेशा हर हांडी में काट के डालती हूँ, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। और टमाटर भी जब मैं तड़का दूँगी तो तब उसमें मैं डालूँगी। इधर मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए, चावल उबालने के लिए, और इस पॉट में मैंने चावल अच्छी तरह धो के तो भिगो दिए हैं, इसलिए कि 11 बज रहे हैं। आपको पता है 12 बजे तक मेरी बेटी ने आना है और सिर्फ 25 मिनट होने हैं उसके पास जाने के वापस, तो बस इसलिए फटाफट दोपहर खाने की तैयारी हो रही है। ये 5-10 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए, तो मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम मैं डाल रही हूँ हींग, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत फ़ायदेमंद रहती है जिन लोगों को हाजमे में मसला होता है या बादी चीज़ नहीं खा सकते उसके लिए, तो ये ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ ऐसी चीज़ों में, सब्ज़ियों में, दालों में। बस इसको मैंने पकने देना है और अब मैंने इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ये दाल गल गई है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें, और ये मैंने बारीक बारीक काट के रखा था अदरक, मैंने चावलों की पिच निकाल ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको दम पे रख दूंगी। इधर अब मैंने तड़का देने के लिए ऑयल रख दिया, इतना सा ऑयल है। डाले थे वो गर्म हो गए, अब मैंने ये बारीक बारीक लहसुन चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया, हो गया लहसुन थोड़ा सा, मैंने 1 टीस्पून जो है वो जीरा डाल दिया साथ ही, और ये मेरे पास करी पत्ता है खुश्क हुआ हुआ, ये फ्रेश वाला नहीं है, वो मैंने डाल दिया।
अब मैं इसके साथ ये मैंने दो टमाटर काट के और ऊपर हमने डाल दिए इसके बीच में। इसमें मैं थोड़ा सा नमक इसलिए डालूंगी कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि मैंने दाल में थोड़ा डाला था, थोड़ा सा उसमें डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए और मसाला सा गल जाए। बस इसको अब मैंने उतनी देर तक फ्राई करना है जब तक टमाटर बिल्कुल नरम होकर घुल जाएंगे। ये मेरा तड़के का जो मसाला था ये तैयार हो गया, इसको अब मैं दाल में डाल दूँगी। मेरी मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल तैयार है। हल्का फुल्का सा सलाद बना रही हूँ, खीरा ख़त्म हुआ है इसलिए टमाटर और हरी मिर्चें सिर्फ मैं काटूँगी और बस। ये जी मेरा सिंपल सा सलाद तैयार हो गया। टमाटर काटती हैं बारीक बारीक, हरी मिर्चें काटती हैं और खीरा था नहीं इसलिए वो नहीं काटा, और प्याज बच्चे शौक से खाते नहीं कि कॉलेज जाना होता है तो मुँह से बू आती है। तो बस जी ये मेरी हांडी तैयार है। मैंने तकरीबन 35 to 40 मिनट्स में सारा खाना तैयार कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं, बस एक फ्राइंग पैन पड़ा हुआ जिसमें मैंने अभी तड़का लगाया था और बस सब तैयार। मैं अपने बचपन की याद ताज़ा कर रही हूँ, चूरी बना के घी डाल के थोड़ी सी रोटी ली है और साथ ब्राउन चीनी डाल के। बचपन में तो शक्कर डाल के खाया करते थे, तो यहाँ पे तो शक्कर है नहीं इसलिए ब्राउन चीनी डाली है इसमें। ये मैं 4 बजे बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। इसमें मैंने दूध डाला है, 2 अंडे हैं, थोड़ी सी ब्राउन शुगर है और बस उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये बन रहा है।